टीचर, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हीट के बारे में। हीट क्या है? हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अस इन द सेंसेशन ऑफ वार्मनेस और हॉटनेस। हीट क्या है, इसमें हमने एग्जांपल भी लिया था, अगर हम अपने हाथ रब करते हैं तो वो क्या है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारे हाथ का हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं, जब हम हाथ रब करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण हमारे हाथ क्या हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं। तो हीट क्या है, हीट के एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन टू कीप आर हैंड और बॉडी वार्म और हॉट। सो इसमें हमने लिया था, इफ ए बॉडी हैविंग मास m, m1 m2 टू mn, हैविंग n मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड v1 v2 अप टू vn, तो उसमें h किसके इक्वल लिया था हमने, हीट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हमने ये vn टर्म तक लिया था, तो h किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, हाफ ऑफ अप टू mn vn vn स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने इसकी यूनिट्स डिस्कस की थी, यूनिट्स ऑफ हीट इज, अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें तो जूल हो जाएगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय j, और इन सीजीएस यूनिट इट इज अर्ज। और नेक्स्ट इसमें 1 कैलरी हमने डिफाइन की थी, विच इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, किस उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हीट को कि इसमें टेम्परेचर क्या है रेज हो जाए, 1 ग्राम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। सो आज हम डिस्कस करेंगे विद आर टॉपिक दैट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। सो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसी डिग्री है जिसमें क्या हो जाती है, या तो बॉडी गर्म हो जाती है या कोल्ड हो जाती है। सो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ temperature of a body, temperature of a body is defined as the, is defined as the degree of, is defined as the degree of coldness or hotness of a body, degree of hotness or coldness of a body, so temperature kya hai, it is defined as the degree of hotness or coldness of a body, it is one of the 7 basic quantities, ye isme kya hai SI units mein se ek ये क्वांटिटी है टेम्परेचर, हमने 7 ऐसे यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें से एक ये क्वांटिटी है वो हमारी क्या थी, टेम्परेचर। सो इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक क्वांटिटीज ऑफ द एसआई सिस्टम। सो इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक क्वांटिटीज, 7 बेसिक क्वांटिटीज ऑफ, बेसिक क्वांटिटीज ऑफ SI system। तो ये थी हमारी टेम्परेचर की डेफिनेशन। इसमें क्या है, SI systems में हमने 7 क्वांटिटीज डिस्कस की थी, जिसमें इसमें हमने टेम्परेचर का भी डिस्कस किया था। सो अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स।
सो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया गया है कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल जितने भी काइनेटिक एनर्जी के होंगे वो किसके इक्वल होंगे, टेम्परेचर के इक्वल होंगे। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगी, टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये क्या है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, टेम्परेचर को कैसे हमने डिफाइन किया है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स की है वो किसके इक्वल होगी, टेम्परेचर के इक्वल होगी। और अगर हम सपोज करें कि हमारी बॉडी में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हैविंग मासेस m1 m2 mn, तो हमारी हीट किसके इक्वल होगी, हीट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो इफ अ बॉडी कंटेन n number of molecules having masses m1 m2 up to mn moving with speed और उसकी स्पीड क्या होगी, v1 v2 up to vn इसमें हमने क्या लिया, अगर हमारी बॉडी कंटेन करे जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और मासेस क्या है m1 m2 up to mn, तो उसके और कौन सी स्पीड से मूव कर रही है, v1 v2 up to vn स्पीड से, तो हमारी हीट क्या होगी, हीट किसके इक्वल होगी, हीट पोजेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो हीट किसके इक्वल होगी, देन हीट पोजेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर। तो हीट किसके इक्वल हुई, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सभी मॉलिक्यूल्स की है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर अप टू n टर्म तक, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं जिसमें मासेस क्या है m1 m2 अप टू n टर्म तक मासेस है और स्पीड इसकी क्या मूव कर रही है, v1 v2 अप टू vn। तो हीट उसमें क्या होगी, हीट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो इससे टेम्परेचर की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी, सो इसमें हम पुट करेंगे, हमारी टेम्परेचर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या डिस्कस की अभी, किसकी इक्वल होती है, क्योंकि हमारा जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें हम एन टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या है एन टर्म तक इसको डिफाइन किया है। तो इसमें टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे n से, विच इज इक्वल टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इसमें हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्टली टेम्परेचर क्या है, एक ऐसी बॉडी है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ, या तो इसमें हॉटनेस के बारे में पता चलेगा कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है। वो कैसे, सपोज अगर किसी पर्सन को फीवर है तो उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, हॉट होगी। तो ये क्या है, किससे पता चलता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, कि उसकी बॉडी हॉट है या कोल्ड है। और ये क्या, इट इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम, ये एक उसमें से एक है।
टेम्परेचर का भी डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। की टेम्परेचर की वैल्यू किसके इक्वल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स में है उस सभी की क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, दैट टर्म इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर हमने लिया कि एक बॉडी है उसमें मास नंबर मॉलिक्यूल्स क्या है एन और मासेस क्या है, हैविंग मासेस m1 m2 अप टू mn मूविंग विद स्पीड, और उनकी स्पीड क्या है, कौन सी स्पीड से वो मूव कर रही है, v1 v2 अप टू vn टर्म तक उसकी स्पीड है, तो टेम्परेचर हमारा किसके इक्वल होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इसमें क्या हाफ ऑफ v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अप टू vn vn स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिवाइड बाय n। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल m से। तो ये हो गया हमारी टेम्परेचर के इक्वल। अगर हम बात करें, अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट कर रही है, अगर हमारी बॉडी हीट कर रही है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स मूव विद ग्रेटर स्पीड, तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या है उतनी ही स्पीड से मूव करेंगे। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया, किसके इक्वल है, टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम एन वी एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सो अगर हम बात करें, अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट कर रही है, तो मॉलिक्यूल्स क्या उतनी स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स की और मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स मूव विद ग्रेटर स्पीड, इट्स मॉलिक्यूल्स मूव विद ग्रेटर स्पीड, उसके मॉलिक्यूल्स क्या उतनी स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव विद ग्रेटर स्पीड। सो द मीन काइनेटिक एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी जो सभी मॉलिक्यूल्स की है, और ऑल्सो द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो द मीन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और जो मीन काइनेटिक एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो द मीन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो द मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, इज इंक्रीज
nth टर्म तक ली है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर अप टू वी एन स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम टेम्परेचर में पुट कर देंगे, किसके इक्वल थी, टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आया, टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमने क्या बोला, अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट कर रही है, तो मॉलिक्यूल्स उतने ही स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स की और मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था टेम्परेचर का टॉपिक। सो नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। Heat is defined as
होगी हमारी हीट का, इनके बीच का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, दैट इट इज डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, वेयर एज इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ टोटल मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। इसमें हम लेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी और हीट में हम लेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब्सटेंस। सो सेकंड पॉइंट है हीट का, ये हीट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टाइप ऑफ पार्टिकल। सो इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, साइज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, साइज पे डिपेंड करती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, वेयर एज अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और टाइप ऑफ पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, जो हीट में प्रोसेस हो रहा है वो क्या होगा, टेम्परेचर में नहीं होगा। जैसे इसमें ये डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ पार्टिकल पे, नंबर और स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ये डिपेंड नहीं करेगा साइज, स्पीड और टाइप ऑफ पार्टिकल्स पे। सो नेक्स्ट, हीट क्या है, एक तरह की क्या है, एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर एज टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी बट ए मेजर ऑफ इट। इसको हम क्या है, मेजर कर सकते हैं ओनली, ये एनर्जी के फॉर्म में नहीं होती। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर एज अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज नॉट अ एनर्जी but a measure of it, but a measure of it। next SI unit इसकी क्या होगी, heat की। SI unit of heat is joule, whereas SI unit of temperature is kelvin। so next point है हमारा fourth, SI unit of heat is joule, SI unit heat की क्या होगी, joule। और टेम्परेचर की अभी हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फिफ्थ पॉइंट, अगर हम होमोजीनियस सब्सटेंस ले, इन होमोजीनियस सब्सटेंस इसमें क्या होगा, होमोजीनियस सब्सटेंस में सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, सभी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। सो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने डिस्कस किया हीट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लेंगे हीट में, वेयर एज टेम्परेचर में क्या होगा, मीन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय n, स्मॉल n। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी की फॉर्म में, वेयर एज टेम्परेचर एनर्जी की फॉर्म में नहीं होता, इसको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, इसकी डिग्री को सिर्फ मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, वेयर एज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा, हीट क्या है, हीट एक ऐसा फोर्स है जो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से होता है। इसको अगर हम ऐड करेंगे या हीट को रिमूव करेंगे तो उसके साथ साथ या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हम इसमें फिफ्थ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, हीट इज
by adding or removing the heat, the temperature can be increase or decrease. जब हम add करेंगे या decrease करेंगे heat को, तो उसके साथ साथ temperature भी क्या होगा, कम या ज़्यादा. ऐसे ही हम temperature का भी लिख सकते हैं कि temperature भी उसके साथ साथ change होगा, जैसे heat flow होगी high temperature से lower temperature तक. तो ये difference था हमारा heat और temperature का. So आगे अब हम next lecture में discuss करेंगे.